हाय गाइस, अभी हो रही है आरती, स्टार्ट होने वाली है। तो इस ब्लॉग में आपको केदारनाथ का आरती दिखाने वाला हूं मैं। तो चलिए वीडियो को बने रहिएगा, थोड़ा लुक पे मत जाइएगा। ये कुछ है माहौल बन रखा है अभी आरती के टाइम, आप देख सकते हो। केदारनाथ का ब्लॉग आपको ये आने वाला है, ये बहुत ही अच्छे वाले ब्लॉग आने वाले। कब आए यहाँ पे? अभी जस्ट आयो। ये करो, ये देखो केदारनाथ की कुछ वादियाँ, और ये ग्लेशियर देख रखे हो आप लोगों ने। बर्फबारी अच्छी खासी हो रखी है। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, थोड़ा स्टेबलाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मैं ये वीडियो और जल्दी जल्दी शूट कर रहा हूँ। थोड़ा आपको दिखा देता हूँ ऐसे कुछ। केदारनाथ में आरती स्टार्ट होने वाली है और यहाँ से देखो सारे लोग दर्शन के लिए निकल रहे हैं, और ऐसा कुछ माहौल हो रखा है अभी केदारनाथ में। आरती स्टार्ट होने वाली है तो थोड़ा वीडियो को स्टॉप करते हैं। जब आरती स्टार्ट होगी तो मैं वीडियो को शुरू करूंगा। मैंने अभी भी इससे पहले मैंने ब्लॉग डाला था, वो 30 मिनट्स का चैलेंज था वो। तो यहाँ पे सारे लोग बैठ रखे हैं, देख लो आप, यहाँ पे बैठ रखे हैं सारे लोग। आरती स्टार्ट होने वाली है केदारनाथ की, और देख लो ये माहौल कुछ ऐसे हो रखे हैं अभी। तो गाइस, जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था तो मुझे ये पहाड़ी में शंकर जी का जो है फेस मुझे नज़र आया, तो मैं बहुत ही शॉक हो गया। हर हर महादेव। अगर आपको नज़र आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको ये फेस नज़र आ रहा है या फिर नहीं। मैं वैसे मार्क कर दूंगा, आप लोग देख लो। शिव जी का लाइव दर्शन कर सकते हो आप यहाँ पर केदारनाथ में। तो मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे ये देखने को मिला। और चलिए वीडियो में बने रहिए, पूरे आरती को देखिएगा। तो गाइस, यहाँ पे आरती स्टार्ट होने वाली है। अगलों को मैं दिखाऊंगा यहाँ पे आज का ब्लॉग में पूरे केदारनाथ का जो आरती होने वाला है, कैसा होने वाला है। ये देखो सारे लोग बैठ रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अभी आरती स्टार्ट होने वाली है। तो जल्दी जल्दी से मैं भी देख लेता हूँ यहाँ पे कहीं पे जगह है जहाँ पे मैं अच्छे से शूट कर पाऊँ। सो आप देख लो ऐसे कुछ माहौल रखा है अभी यहाँ पे। तो चलो पहले मैं यहाँ पे कोई अच्छी जगह पे इसलिए देख लेता हूँ जहाँ पे मैं अच्छे से वीडियो को शूट कर पाऊँ। तो अभी सारे लोग अच्छे खासे भीड़ लगा रखे हैं, आप देख लो यहाँ पे केदारनाथ धाम में। और इस तरफ ग्लेशियर हो रखी है इधर पूरी। मैंने आपको इससे पहले आपको पूरे ब्लॉग दिखा रखे हैं। अभी सारे लोग अपने अपने फैमिली से वीडियो कॉल्स वगैरह कर रखे हैं अभी यहाँ पे। तो चलिए अभी आज का मैं आपको ब्लॉग में पूरे केदारनाथ का आरती दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे वीडियो में बने रहिएगा। एंड चलिए इधर देख लो आप, ये हो रखी है केदारनाथ में आरती होने स्टार्ट होने वाली है, और ये कुछ माहौल बन रखा है यहाँ पे, देख लो आप। आरती स्टार्ट होने वाली है और ये देख लो यहाँ पे माहौल कुछ केदारनाथ का। गाइस, यहाँ पे आरती हो रही है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा यहाँ पे। आप आरती को देखो थोड़ा सा, आरती ज्वाइन करो। मैं आज के टाइम बोल नहीं सकता। बहुत ज्यादा बढ़ रही है। चलो आरती खत्म होने के बाद यहाँ से निकलते हैं। ये देखो केदारनाथ के रात का कुछ मार्केट दिखा देता हूँ यहाँ पे आसपास में क्या हो रहा है। जब तक पूरी लोगों की जितनी लाइन लगी थी उतनी लोगों की अभी दर्शन नहीं होंगी, तब तक केदारनाथ का जो द्वार है बंद नहीं होता है। और ऐसा कुछ माहौल हो रखा है अभी, देख लो ये बंद रखा है अभी।
तो मार्केट में कुछ ऐसा भी है व्यू, और ये देखो सारे सामान मिल रहे हैं इधर ही, रुद्राक्ष वगैरह अगर आप आते हो तो ये ले सकते हो। यहाँ पे सारे स्टे करने के लिए आपको बहुत सारे होटल्स और कैंपिंग टेंट वगैरह मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। चलिए आगे जाते हैं, और थोड़ा ब्लॉग जो है आवाज़ में कम हो रही है क्योंकि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा आई थिंक, क्योंकि मुझे ठंड से प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर ने मुझे बता रखा है, बाबा का मर्जी है कि मैं अभी तक अच्छे से हूँ, कुछ हुआ नहीं है अभी, लेकिन बाबा का दर्शन हो गया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये देखो सारे लोग मिल जाते हैं, ऐसे बोलते रहते हैं रास्ते में क्या टेंट चाहिए क्या चाहिए। देख लो आप ऐसे कुछ माहौल बना रखे हैं अभी यहाँ पे केदारनाथ में। तो चलो आपको दिखाता हूँ, ये कुछ मिल रहे हैं इधर प्रसाद प्रसाद। कितने का है ये? तो ये वाला शॉट मैं ले ही रहा था कि अचानक से अलर्ट जारी कर दिया गया, और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, बहुत ज़्यादा अचानक ख़राब हो गई और बारिश हुई, बर्फबारी हुई, और सारे लोग भगदड़ सी मच गई थी और क्योंकि अलर्ट जारी कर दिया गया था। तो हम लोग अभी यहाँ से मैं निकल गया था कैंप में, क्योंकि मैं अकेले जा रखा था, सोलो ट्रैवलिंग कर रहा था। तो कुछ लोगों ने मेरी बहुत सारी हेल्प भी की, बहुत सारे लोग जो सोलो आ रखे थे उन्होंने मेरी बहुत सारी मदद की, तो दिल से थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरी हेल्प की, और जिन्हें बर्फानी बाबा को भी मेरे दिल से बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत सारा हेल्प मिला। मुझे वहाँ से मुझे स्लीपिंग बैग्स वगैरह मिले सोने के लिए, और मैं अकेले कैंप कर रहा था वहाँ पे, तो बाबा ने मुझे वहाँ पे बचाया। और कुछ मौसम ख़राब होने की वजह से एक का जो है डेथ भी हुआ, सो वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं क्लिप आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँ। और ये कुछ हुआ था मुझे केदारनाथ में वहाँ पे, बाकी सब कुछ बहुत अच्छे गए, और बस रात में थोड़ी मौसम ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, तो अलर्ट जारी वगैरह कर दिया गया था। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूँगा कि क्या हुआ, मैं रिटर्न जाऊँगा और ये मेरी क्या हालत हो रखी थी रात में, जिस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसे होते रहते हैं। हर हर महादेव उत्तराखंड का ये ब्लॉग आपको बहुत जल्द मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना अच्छा लगा हो तो वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।